नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बैठक ली है। सुकमा और बस्तर के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक ली है। कोंटा और बस्तर विधानसभा कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे। बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। कल माथुर नारायणपुर जाएंगे। कोंडागांव विधानसभा में तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बैठक ली है। सुकमा और बस्तर के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, कोंटा और बस्तर विधानसभा कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहे। बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप भी थे। कल ओम माथुर नारायणपुर और कोंडागांव जाएंगे। 2023 विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का दौरा लगातार जारी है। बैठकों का दौर हो रहा है, मंत्रियों का दौर चल रहा है। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक लगातार ओम माथुर कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुकमा और बस्तर के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की बैठक उन्होंने की। कोंटा और बस्तर विधानसभा कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे। बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। कल ओम माथुर नारायणपुर और कोंडागांव जाएंगे। तो संगठन को और मजबूत करने के लिए और सत्ता में वापसी के लिए लगातार जुटी हुई है बीजेपी। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के एक बार फिर से दौरे पर आए हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें वो कर रहे हैं। मंत्रियों का दौर चल रहा है। सुकमा और बस्तर के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक उन्होंने की। कोंटागांव और बस्तर विधानसभा कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे। बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। और इससे पहले जगदलपुर पहुंचने पर ओम माथुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है और हर कार्यकर्ताओं को काम देना मुख्य उद्देश्य है। वहीं ओम माथुर के दौरे पर सीएम ने निशाना भी साधा। महामंत्रियों से मिलने का था। ये दूसरा जो दौरा मेरा है, विधानसभा वाइज मेरी बैठकें हैं और विधानसभा में कोर ग्रुप के साथ बैठना, उनके मंडल अध्यक्षों के साथ बैठना और फिर जिले की बैठक के साथ और जिले की कोर कमेटी के साथ, तो कुल मिलाकर के पूरा संगठनात्मक दौरा है। संगठन को रिव्यू करना, हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई काम देना, बूथ सशक्तिकरण का काम करना, बूथ ग्रेडेशन का काम करना, हर बूथ कमेटी में सोशल और भौगोलिक दोनों इक्वेशन देख। वो सड़क मार्ग से अब दौरा नहीं कर पा रहे हैं शायद, इसलिए उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। अब बुजुर्ग व्यक्ति को इस प्रकार से दौड़ाएंगे तो कैसे होगा। पुरिंदेश्वरी देवी जी चली गई, जामवाल जी थक गए, अब एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाए हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में घर से निकले नहीं, आपस में उलझे रहे, तो ओम माथुर जी को कमान संभालनी पड़ रही। कांग्रेस को मिलेगा। कानपुर से रायपुर लौटने के बाद एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से राज्य के बकाए राशि की मांग की। उन्होंने केंद्र से 4,177 करोड़ की राशि की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भारत को विकसित देश बनाना है तो आर्थिक जनगणना जरूरी है। संघीय व्यवस्था में राज्य के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। बैठक थी और बैठक में मुख्य रूप से जो बातें छत्तीसगढ़ से संबंधित है उसे मैंने उठाया। तो सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है तो हमको मिलना चाहिए था, उसमें से 2,600 करोड़ से कम मिला है, उसे देने की बात है। खाद्य विभाग में भी हमारे पैसे 1,000 करोड़ के आसपास है, उसे
मैंने मांग की। यदि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र उनको बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जाति जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। 2021 के बाद से आज तक नहीं हुआ, जबकि 2021 के में शुरू कर देना था, आज तक शुरू नहीं हुआ, इसे तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। नए संसद भवन को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने विरोध किया। उन्होंने जल सत्याग्रह क्रिया और राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराने को लेकर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने निशाना साधा। राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराने पर सीएम ने बीजेपी को घेरा। इससे बड़ा क्या होगा, ये लगभग 20 के आसपास दल जो अपना आपको लोकतांत्रिक परंपरा में जिंदा वाला कहते हैं, वो बायकॉट करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, जिस दंड को आदरणीय नेहरू जी ने स्वीकार किया, वो अगर दंड एक कोने से उठा करके बाकायदा सचिव संसद भवन में ला के रखा जाए, यानी हमारे यहाँ कहा गया कि अगर राजा कोई अवगुण करे तो कौन दंड देगा, तो हमारे संतों ने हमारी संस्कृति ने कहा धर्मो दंडे से दी, तो एक तरह से हमारा धर्म दंड है। सभी धर्मों का आपने देखा होगा, उद्घाटन के समय जो सामाजिक समरसता दिखी, हर प्रकार के पंथ और धर्मों के लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ ऐसे पवित्र स्थान का पूजन किया। ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टियाँ भी, जिनके एक परिवार को 65 साल करने का मौका मिला राज करने का, वो इस तरह के कहना तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे लिए देश के लिए मेडल जीत के आया, जिसे हम सबको गर्व है, उन बेटियों को घसीट घसीट कर जेल के अंदर ठूसा जा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। जिसके खिलाफ पास्को एक्ट है लगा है, वो खुले में घूम रहा है, और जो जिन्होंने आवेदन दिया उसको जेल के सिक्चों में डाला जा रहा है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा। सर, आरजेडी के एक नेता ने उसने एक ताबूत वाला फोटो भी पोस्ट किया है, कहा है ये ताबूत है। देखिए, वो किस लिए डाले हैं तो उसके बारे में कोई बताएंगे, लेकिन विपक्ष ने यदि मांग की है कि उसके राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाए, तो इस मांग को मानते तो प्रधानमंत्री जी का कद बड़ा होता, उसे घटता नहीं। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण का उस सिंगोल के बारे में जो व्यक्ति जिंदगी भर, जो संगठन जिंदगी भर पंडित नेहरू का विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं का सहारा लेकर अपना बचाव करना पड़ रहा है, इससे ज्यादा हास्यास्पद उनकी क्या हो सकती है। वहीं पूर्व गृहमंत्री अंकिराम कंवर ने बड़ा बयान दिया, प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। उनका यह कहना है, यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने ये बड़ा बयान भी दिया। मैं तो गाली दिया था उस दिन, ताकि क्या बोलते हैं, मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। वैसे तो कुछ गुंजाइश तो नहीं है। नहीं, मैं तो बतला रहा हूँ, बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। लग रहा है 2023 में आएगा। हाँ, 2023 में सरकार बनी क्या? कौन सी ना बने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, कह रही बिल्कुल, और मैं बोल रहा हूँ। और देखिए, नहीं सुने सुने हो रहा है, आप 2023 में क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी? मैं तो बतला रहा हूँ ना, अगर नहीं बनेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। रायपुर में शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राजनीति में धर्म की परिभाषा पर कहा कि राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति और छात्र धर्म पर्यायवाचक हैं। राजनीति में तुष्टिकरण पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति के नाम पर तुष्टिकरण अभिशाप है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण, 8 रक्षाविद क्षत्रिय, 21 अर्थशास्त्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल देश में राजनीति के नाम पर उन्माद है। उन्होंने बजरंग दल पर बैन करने के सवाल पर कहा कि हनुमान जी खुद निपट लेंगे, क्योंकि वो शूरवीर हैं। तंत्र कहते हैं, उसमें लोकतंत्र सन्निहित था। महाभारत का अध्ययन कीजिए, मंत्रिमंडल में 4
शिक्षाविद ब्राह्मण होना चाहिए, 8 रक्षाविद क्षत्रिय होना चाहिए, 21 अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ वैश्य होना चाहिए, 3 शूद्र कल कारखाने सेवा श्रम के प्रकल्प को चलाने वाले 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत होना चाहिए, इसको राजनीति कहते हैं, उसमें लोकतंत्र प्रजातंत्र अंतर्निहित था या नहीं। आजकल राजनीति के नाम पर उन्माद है, चुनाव की जो प्रक्रिया है सज्जन वहाँ पहुँच पावे यही कठिन, पहुँच जाए तो उनकी टांग न खींची जाए और कठिन, इसलिए आजकल तो राजनीति के नाम पर एक दांत न खोदो पूरा शरीर झूठा होता है। रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री निवास पर भोज का आयोजन हुआ, ग्रामीण परिवारों के साथ सीएम ने भोजन किया, भेंट मुलाकात के दौरान भोजन किया है, जिन परिवारों के साथ भोजन किया था भोजन आज उन्हें आमंत्रित किया गया, आज रायपुर संभाग के परिवारों को आमंत्रित किया गया भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान, जिन्होंने मुझे भोजन खिलाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी का आत्मीय स्वागत, आज सभी लोग मुख्यमंत्री निवास के मेहमान हैं। क्या मैं रायपुर से हूँ, मेरे यहाँ मुख्यमंत्री जी भोजन करने आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए और उन्होंने मुझे अभी निवास में इनवाइट किया है डिनर पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी उन्हीं की तरह सीएम बनना चाहती हूँ बड़े होकर। तो वहीं मुख्यमंत्री निवास पर भोज का आयोजन किया गया और जिन परिवारों के यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने भोजन किया था उनको आमंत्रित किया। सीएम निवास पर आगे बढ़ेंगे। उज्जैन में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, तेज आंधी तूफान से अफरा तफरी मच गई, आंधी तूफान से महाकाल लोक की कई मूर्तियां गिरी हैं, महाकाल लोक की कई मूर्तियां नीचे गिर गई, बाल बाल श्रद्धालु बचे। तो अचानक से मौसम का मिजाज बदला, उज्जैन में तेज आंधी तूफान और बारिश हुई, तेज हवाएं चलने से महाकाल लोक की मूर्तियां भी गिरी हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें, एक तस्वीर है महाकाल लोक की किस तरीके से यहां पर मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई और दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि शहर का क्या कुछ हालात, मूर्तियां टूटी हैं और कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त यहां पर हुई हैं। महाकाल लोक की ये तस्वीरें आपके सामने, उज्जैन के महाकाल लोक में तेज आंधी तूफान की वजह से कई मूर्तियां टूट गईं, कई मूर्तियां गिर गईं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आंधी तूफान के संबंध में जानकारी दी है, सीएम ने फोन पर उज्जैन कलेक्टर से बात की है, उज्जैन संभाग कमिश्नर से भी फोन पर चर्चा की है। सीएम शिवराज ने जाना है हालचाल उज्जैन शहर का कि क्या कुछ वहां पर घटित हुआ, जो महाकाल लोक में नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी सीएम शिवराज ने फोन पर ली है कलेक्टर से, और उज्जैन संभाग कमिश्नर से भी फोन पर चर्चा की सीएम शिवराज ने। वहीं महाकाल लोक में आंधी तूफान से मूर्ति गिरने के मामले में कांग्रेस जांच करेगी, मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, सज्जन सिंह वर्मा के साथ 7 सदस्यीय कमेटी मौके पर जाएगी, टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी, कमलनाथ को जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। विपक्ष अब लगातार हमला पर है सत्ता पक्ष पर, महाकाल लोक में जिस तरीके से आंधी तूफान के चलते मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, टूटी हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने अब जांच कमेटी बनाई है, 7 सदस्यों का दल गठित किया, सज्जन सिंह वर्मा के साथ 7 सदस्यीय दल वहां पर पहुंचेगा, महाकाल लोक हालात का जायजा लेगा, रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेगा। चलिए अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे, सहयोगी हमारे अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, उज्जैन में जिस तरीके से आंधी तूफान के चलते जो नुकसान हुआ है उसका जायजा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है फोन पर, हालातों की जानकारी ली है, वहीं विपक्ष भी अपना काम करता हुआ। अनुराग, तूफान
तूफान को लेकर मालवा क्षेत्र में, खासतौर पर उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर आ रही है। एक व्यक्ति की उज्जैन में और एक की नागदा में मौत होने की भी खबर आ रही है। आंधी तूफान की चपेट में आने के कारण दो लोगों की मौत और तीन लोगों के घायल होने की जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। लेकिन इसके अलावा महाकाल लोक में जो मूर्तियां स्थापित की गई थी उनको भी जो आंधी तूफान की चपेट में आने के कारण खंडित हुई है, और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक तीन मूर्तियां खंडित हुई हैं। हालांकि जो राज्य सरकार ने फीडबैक लिया है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली से उज्जैन कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली, और जो मूर्ति लगाने वाले ठेकेदार थे उनको इस बात के निर्देश दिए गए कि वो इन मूर्तियों को दोबारा स्थापित करने का काम करेंगे। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर आंधी तूफान और बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि कई संख्या में पेड़ भी धराशायी हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी इसको राजनीतिक रूप दे दिया है, और इस पूरे मामले की जांच के लिए कमलनाथ ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है जो मौके पर जाकर इस पूरे मामले का निरीक्षण करेगी। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बंटी वालिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, फिल्म प्रोड्यूसर बंटी वालिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सीबीआई ने बंटी वालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बैंक लोन घोटाले के मामले में एफआईआर हुई है। बंटी वालिया सहित कई अन्य आरोपियों पर एफआईआर हुई। फिल्म लम्हा के दौरान बैंक से लिए हुए बैंक लोन में घोटाले का आरोप है बंटी वालिया पर। बंटीवालिया सहित कई अन्य आरोपियों पर एफआईआर हुई है। बैंक से लिए लोन में घोटाले का आरोप है बंटीवालिया पर। फिल्म लम्हा के दौरान बैंक से लोन लिया था बंटीवालिया ने। फिल्म प्रोड्यूसर बंटीवालिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सीबीआई ने बंटीवालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। बैंक से लोन लेने के मामले में एफआईआर हुई। बैंक से लोन लेने के मामले में घोटाला किया था बंटीवालिया ने, सीबीआई का ऐसा कहना। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कुछ और अधिक अपडेट आपके पास? देखिए, अगर इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला जो है पिछले कई साल पहले का है, जब बंटी वालिया के द्वारा एक बैंक से लोन लिया गया था और लोन लेने के बाद उसे नहीं चुकाया गया था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया। हालांकि जो इस मामले में बैंक के द्वारा कंप्लेन रजिस्टर कराया गया था और उसे उन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसे जांचा गया, खंगाला गया, उसके बाद कई संगीन धाराओं के तहत इस मामले को रजिस्टर किया गया है। और इस मामले में आगे सीबीआई की टीम तफ्तीश करेगी किस तरह से ये करोड़ों रुपए का बैंक लोन घोटाला को अंजाम दिया गया और इस मामले में किन किन बैंक कर्मियों की भूमिका थी और किस तरह से बंटी वालिया जो एक बहुत चर्चित प्रोड्यूसर है तो उनके द्वारा किस तरह से उसको अंजाम दिया गया। इन तमाम मामलों को बकायदा सीबीआई की टीम, खासतौर पर सीबीआई के जो बैंकिंग फ्रॉड जो डिवीजन है वो इस मामले की पड़ताल करेगी कि किस तरह से इस करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। जी निश्चित तौर पर शंकर, और जिस तरीके से अब सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया है बंटी वालिया की मुश्किलें आगे अब बढ़ने वाली हैं। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर वो किस वक्त में ये लोन लिया गया था, जिस वक्त में एक फिल्म की बात करना चाहेंगे, लम्हा एक बहुत चर्चित फिल्म थी जो अभिनेता उसमें संजय दत्त थे, उस वक्त में, हालांकि उस वक्त पर काफी पुराना मामला है, लेकिन उस फिल्म को बनाने के एवज में ये लोन लिया गया था। लेकिन इस लोन को लेने के लिए जिस तरह से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया और इसके साथ साथ कई ऐसे एक साजिश के तहत आपराधिक साजिश को रचते हुए जिस तरह से करोड़ रुपए का बैंक घोटाले को अंजाम दिया गया, तो इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। बंटी वालिया के साथ साथ इस मामले में कई सरकारी अधिकारी और इसके साथ साथ इस पूरे साजिश में जो जो लोग मुख्य भूमिका में शामिल थे उनकी भी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। जल्द ही इस मामले में सीबीआई के द्वारा कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की जांच के जद में कौन कौन आता है। बहुत धन्यवाद शंकर जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।